वेलकम टू मी इमेजिनेशन। मेरा नाम है प्रियंका और आज हम सीखेंगे कि 2 मीटर कपड़े में से हम सर्कुलर प्लाजो कैसे बनाते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो ये पहले 2 फोल्ड में हमने फोल्ड कर लिया है। ये हमारी खुला साइड है और वो बंद साइड है। पहले यहाँ से हमें 14 इंच लिया है। वो क्यों? क्योंकि हमारा हिप राउंड है 10 इंच और 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से भी हमें 14 इंच 14 इंच पे मार्क करना है और नीचे हमने 3 इंच पे मार्क कर लेना और जॉइन कर देना। ये मार्किंग हमने जो करी है वो सेम हमें वहाँ पर करनी है और इसे हमें क्रॉस में जॉइन कर देना है। तो ये हमने जॉइन कर दिया है क्रॉस में और ये हमारा अपर पोर्शन है और ये हमारा गियर है। वैसे ही ये हमारा अपर पोर्शन है और ये हमारा गियर। ये 2 मीटर कपड़ है टोटल। फिर यहाँ से हमें जो 3 इंच पे लगाया है हमारे वहां से हमें ऐसे राउंड में ड्रॉ करना है। यहाँ हमने कर्व शेप दिया है वहां हमें 3 इंच पे यहाँ भी हमें कर्व शेप में देना है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हमने दो पार्ट को हमने ऐसे सेट कर लिया है। अभी हम यहाँ से 14 इंच पे जाएंगे और मार्क करेंगे। आधा इंच दबाव में जाएगा और यहाँ से हम 2 इंच लेंगे। फिर यहाँ से हमें क्रॉस में जॉइंट करना है ऐसे और यहाँ से हम कर्व शेप में जैसे हम क्रॉस बनाते हैं वैसे हम क्रॉस में हम बनाने का ऐसे कट कर लेंगे। फिर हमारे कटने के बाद ये हमारा क्रॉस इस तरीके से दिखेगा क्रॉस में। अभी हमने जो नीचे कर्व शेप दिया था उसे भी हम कट कर लेंगे। बंद कर देखिए मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे हमने लेंथ ली है 14 इंच। फिर यहाँ से हमने 2 इंच का बिट लिया है। फिर हमने यहाँ पे क्रॉस पे हमने लाइन लगाई है और उसे हमें कर्व शेप में हमें ज्वाइन कर लिया है। फिर यहाँ पे हमने कर्व शेप में यहाँ पे हमने कट किया है तो कुछ ऐसा देखिए। ये हमारा टोटल फ्लेयर है। जो हमें फ्लेयर मिला है वो ये है और ये अपर पोर्शन है प्लाजो का। यहाँ से हम बेल्ट इसमें ही आ जाएगी और यहाँ से हम फोल्ड करें। ये मैंने 40 की हिप के अनुसार मैंने ये प्लाजो बनाया है। इसके हमें ऐसे 4 पीस मिलेंगे, 1, 2, 3 और 4। तो पहले हमें 2-2 पीस के हमें पहले क्रॉच ज्वाइन करना है। 2 मीटर में हमें घेर वाला प्लाजो मिल चुका है और ये सर्कुलर प्लाजो इसे कहते हैं। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले हमें क्रॉच ज्वाइन करने के लिए जो कपड़े की जो बी साइड होती है वो हमें सामने सामने रखनी है और ऐसे हमें स्टिच देना। अभी हमें क्रॉच के बाद हमें क्या करना है, इसकी जो साइड फिटिंग होती है साइड से हमें जो सिलाई देनी होती है वो भी हम करेंगे। दोनों साइड से, इधर से भी और यहाँ से भी, दोनों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। और उसी तरह करना है सीधे की ओर सीधे रख के। Thank you.
इसलिए हमारी साइड की सिलाई हो चुकी है, तो अभी हमें बीच की सिलाई देनी है। यहाँ पे जो पैर के बीच की सिलाई होती है वो हमें देनी है। अभी हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर देना है, 1/2 इंच मोड़ने के लिए और 1 इंच इलास्टिक की गैप के लिए। ठीक है, तो अभी हमें ऐसे मोड़ के यहाँ पे सिलाई देनी है। तो मैंने यहाँ पर इलास्टिक डाल लिया है और हम इलास्टिक को क्लोज कर देंगे यहाँ से। ऐसे हम एक के ऊपर एक रख कर सिलाई कर देंगे। इलास्टिक डाला है वहाँ पर हमें सिलाई कर देनी है क्या, ताकि ये क्लोज हो जाए और बीच में यहाँ पर इलास्टिक के बीच में हमें इसे सिलाई देनी है। ठीक है, तो मैं ये कर लेती हूँ।